Next exercise कर रहे हैं 2.4 question number 1 find 12 divided by 3 by 4. अगर हम किसी भी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, होल नंबर 12 इज अ होल नंबर, 3 by 4 फ्रैक्शन. अगर किसी भी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड किया जाता है तो हम होल नंबर को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ दैट फ्रैक्शन. रेसिप्रोकल मींस रिवर्स. जैसे हमारे पास नंबर है 2 बाय 3, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3 बाय 2. रेसिप्रोकल मींस जो टर्म न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगी. रेसिप्रोकल मींस रिवर्स ऑफ दैट नंबर. ठीक है, जब भी हम किसी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो होल नंबर, देन लगाएंगे साइन मल्टीप्लाई का, और जो फ्रैक्शन है जब डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन आया तो जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी. 3 बाय 4 की जगह पे क्या हो जाएगा, 4 बाय 3. क्लियर? जब भी किसी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, होल नंबर एज इट इज, डिवाइड की जगह पे साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई, और जो फ्रैक्शन होगी उसे रिवर्स कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. क्लियर? नाउ जो भी कैंसिल होता है, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी आती है. 3 वन्स आर 3, 3 फोर्स आर 12. नाउ 4 इनटू 4 इज 16. तो हमने डिवाइड किया इस फ्रैक्शन को तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 16. क्लियर? नेक्स्ट इज 14, होल नंबर मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह पे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई. फ्रैक्शन को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल रिवर्स करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, 6/5. यही होगा, सिंपली मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, 84/5. आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, चाहो तो एज इट इज भी छोड़ सकते हो. क्लियर? नेक्स्ट इज 8, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन, फ्रैक्शन रिवर्स होगी, 3/7. 8 3s are 24/7. चाहो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो. 7 3s are 21. 3 3/7. सिमिलरली इसे भी कर सकते हो, 5 84. 5 6 are 34. 16 4/5. तो जब भी हमें किसी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, होल नंबर एज इट इज, डिवाइड की जगह पे साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई का, और जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स, उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे. नेक्स्ट इज 4, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो क्या आएगा, 3/8. यही आएगा. नाउ 4 1s are 4, 4 2s are 8. न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 1. डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2. चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, 2 1s are 2, 2 into 1 2 plus 1 3/2. नेक्स्ट इज 3. सबसे पहले अगर होल नंबर को डिवाइड करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन से तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. 3 2s are 6 plus 1 7/3. नेक्स्ट स्टेप में होगा 3 मल्टीप्लाई 3/7. 3 3s are 9 9/7. 7 1s are 7. 2 रिमाइंडर बचा, 2/7. 7 into 1 7 plus 2 9/7. क्लियर? जब भी किसी होल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देन मल्टीप्लाई का साइन लगा के फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे. नाउ 5 divided by 7 into 3 21 plus 4 25/7. 5 multiplied by 7 upon 25. 5 1s are 5 5 5s are 25. 7 into 1 5
डिवाइड करेंगे, 5 वन्स आर 5, 2 बचा रिमाइंडर, 5 इंटू 1, 5 प्लस 2, 7, सो 7 अपॉन 5, क्लियर। जब भी किसी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो उसकी जगह पे, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे, रिवर्स कर देंगे फ्रैक्शन को। और अगर किसी होल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन मल्टीप्लाई का साइन लगा के फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे और मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। नोट कीजिए इसे।